26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा के दौरान हुए शुक्रवार को कासमगंज में मजहबी कट्टरपंथियों के हमले और चंदन गुप्ता की हत्या के बाद उपजे सांप्रदायिक बवाल के बाद लगातार तीसरे दिन भी हिंसा और आगजनी जारी है। रविवार की सुबह कासमगंज के नदरई गेट इलाके में उपद्रवियों ने दुकानों में आग लगा दी। पुलिस की आरोपियों की तलाश में घर घर दबिश जारी है। पुलिस ने एक आरोपी के घर से पिस्टल और बम बरामद किया है। कासगंज में बरामद इस जखीरे के बाद स्थानीय स्तर पर सन्नाटा है और सवाल हो रहा कि आखिर किसके लिए था ये मौत का सामान। स्थिति सामान्य करने के प्रयास के साथ पुलिस उपद्रवियों को खदेड़ने में जुटी है। हालत ये रही कि ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। शुक्रवार से शुरू हुई हिंसा में कासगंज लगातार जलता रहा, भारी तनाव बना रहा और मजहबी कट्टरपंथी शनिवार की रात भर उपद्रवी आगजनी की घटनाओं को अंजाम देते रहे। उपद्रवियों ने घर, कार, बाइक, एम्बुलेंस और मेडिकल स्टोर समेत तमाम दुकानों को आग के हवाले कर दिया। बवाल बढ़ने पर जिले भर में रविवार तक के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है।